नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद मुशर्रत और आप देख रहे हैं सामाजिक संवाद। पिछले कुछ दिनों में जो वीडियोस वायरल हुई हैं उसमें आपने सच का साथ दिया, सहयोग किया, कमेंट करके प्रतिक्रियाएं दी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज इस वीडियो में मैं एक और खुलासा करूंगा। जिस तरह से हमारे राजनेता सबूत मांग रहे थे, तो आज मैं आपको सबूत देने वाला हूं। वो सबूत, उन जल माफियाओं का सबूत जो जगह जगह पर लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। जल माफिया इतने सक्रिय हो चुके हैं कि उनको अब किसी का भी भय नहीं है, किसी का भी डर नहीं है। लगातार क्षेत्र के अंदर वो अपना खौफ बढ़ाते जा रहे हैं और लोगों को पानी बेचते जा रहे हैं। जहां इलाके के अंदर जल एक संकट बना हुआ है, जहां सभी को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, वहीं पर ही इस जरूरत को लोगों ने अपना काम बना लिया, अपना कमाई का जरिया बना लिया। मैं आज वो पर्दाफाश करूंगा, उन लोगों को साबित करूंगा कि वो किस प्रकार से क्षेत्र के अंदर पानी माफिया लगातार सर्कुलर कर रहे हैं और वो लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। जनता को पानी बेचा जा रहा है, जनता मजबूरन उसको खरीदती भी है क्योंकि उनके इलाकों में पानी नहीं है। टैंकर माफियाओं की मेरी पिछली वीडियो रिलीज होने के बाद हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद जितेंद्र कुमार जीतू जी ने एक पोस्ट रिलीज करी और जिसमें यह लिखा था कि सामाजिक संवाद के एक फर्जी दलाल पत्रकार मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। जीतू जी, मैं आपको ये बता दूं कि मैं किसी भी प्रकार से आपकी छवि खराब करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो सच है वो जनता के सामने रख रहा हूं। अगर इसमें आपकी छवि खराब हो रही है तो ये आपकी समस्या हो सकती है, मैं तो महज अपना काम कर रहा हूं। जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर सच को दबाने का काम किया, वहीं जनता ने उसे उजागर करने का भी काम किया। लगातार मेरी पोस्टों पर मेरा समर्थन करते रहे, मुझे सहयोग करते रहे, मेरे साथ खड़े रहे, इसके लिए मैं फिर से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। और उन तमाम नौजवानों और उन तमाम कार्यकर्ताओं से मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी के सपोर्ट में इतना मत घुल जाइए, इतना मत मिल जाइए कि आप सच को भी भुला दें। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे और साबित करेंगे कि जल माफियाओं के ऊपर किसका हाथ है। क्या? अरे भाई रख लो यार, अग्निवाल ले लेना। अरे लगा लेना अग्निवाल यार। ये जो एक पम्मा भाई की जवान है जो टैंक में खाली हो रही है, मेरे भाई नहीं, ये खाली नहीं होती मेरे तो। किसने कहा आपसे? किसने कहा आपसे? किसने? अरे वो तो बात ठीक है मेरे भाई, कितने भी रहते हो, मगर एक पम्मा भाई की जवान है, मैं जहाँ मर्जी खिला देता हूँ टैंक में। पम्मा भाई ने कहा 300 रुपए के लिए ना। अरे यार सवाल जवाब कर रहे हो यार, देखो खुद यार ऐसे काम करने वाले बंदे यार। चलो मैं आपसे कहा, मैं तुम्हें हमारे में कहा यार। चलो चलो, मैंने बोल दिया आपको भी। तुम बदलाव लाने आए थे, खुद ना बदलते तो अच्छा था, राजनीति में राजनीति ना करते तो अच्छा था, चुनावी माहौल में यूं खूब काम किया करते हो, यही काम पूरे साल करते तो अच्छा था। तो ये वीडियो आपने देख ली। आप देख रहे हैं कि एक टैंकर वाला किस प्रकार से पैसे ले रहा है और एक नाम वो जप रहा है, पम्मा। मैंने पिछली वीडियो में भी पम्मा नामक शख्स का नाम लिया था जो पूरे संगम विहार विधानसभा के अंदर टैंकरों की रेख देख करता है, और उसी व्यक्ति के नाम पर तमाम जगहों पर टैंकर पहुंचते हैं, सभी जगहों पर टैंकर वही पहुंचाता है। अब आप इस चीज को सोचिए कि यह व्यक्ति साफ कह रहा है कि पम्मा भाई के कहने पर मैं यहां पर पानी दे रहा हूं, सिर्फ पम्मा भाई की बात पर मैं पानी दे रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल यह आता है, हु इज पम्मा? क्या पम्मा दिल्ली जल बोर्ड को चलाते हैं? क्या पम्मा पानी अपने घर से देते हैं? ऐसा नहीं है। पम्मा साहब विधानसभा में जितने भी लोगों के कंप्लेंट आते हैं पानी के लिए, वो तमाम जगहों पर पानी कब भेजना है, किसको भेजना है, कितने लीटर वाला टैंकर भेजना है, किसको कैसे देना है, किसको ड्रम में देना है और किसके टैंकर में डालना है, ये सारे फैसले पम्मा साहब करते हैं। सवाल इस पम्मा नामक व्यक्ति पर उठता है कि इसको अपॉइंट किसने किया है, विधानसभा के अंदर ये व्यक्ति किसके कहने पर टैंकर प्रोवाइड कर रहा है, और आखिर इसके पास ऐसी क्या चीज है जिसके बिहाब पर ये क्षेत्र में पानी पहुंचा रहा है, आखिर किस नेता ने इसको खड़ा किया है, कैसे वो टैंकर का पानी देने के अवज में पैसे ले सकते हैं। मैं आपको एक वाक्य याद दिला दूं, लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री हुआ करते थे और उस समय एक दुर्घटना हो गई थी, तो उस बिहाब पर रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था। आप इस बात को समझिए कि ट्रेन लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं चला रहे थे, बल्कि कोई ट्रेन का ड्राइवर ही उसको चला रहा था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी को लगा कि ये उनके डिपार्टमेंट की बात है, उस पूरे रेल मंत्रालय को वो संभाल रहे थे, गद्दी पर वो थे, उन्होंने रेल
मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके रहते आपके डिपार्टमेंट में आपके लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं, आखिर उनको सह किसने दी है। एक एक ड्राइवर पम्मा का नाम लेकर ये कह रहा है कि पम्मा के नाम पर, उनके कहने पर मैं ये टैंकर इस तरह से दे रहा हूँ। दिल्ली जल बोर्ड का पानी जो पीछे से बिल्कुल फ्री में जनता के लिए आता है, जो जनता का अधिकार है, उसको भी जनता को ही बेच दिया जाता है। भ्रष्टाचार का आरोप सभी पर लगेगा, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट में, आपके नाक के नीचे, आपके वार्ड में, आपके इलाकों में लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है। दिल्ली बोर्ड के उस जल को जो जनता के लिए बिल्कुल फ्री में आता है, उसको भी आपके लोग बेच रहे हैं। इस पम्मा नामक व्यक्ति को अधिकार किसने दिया, किसने इसको संचालन करने का कार्यभार दिया, आखिर ये कार्यभार संभालते संभालते कैसे ये लोगों से पैसे अटने लगा, आखिर क्यों टैंकर वाला इनकी बात मानने लगा, आखिर क्यों टैंकर वाला उनके नाम पर पैसे लेकर जा रहा है, ये सवालिया निशान खड़ा करता है उस टीम के ऊपर जो इसको संचालन कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यह आप नहीं कर रही, आपकी जानकारी में नहीं है, तब भी आपके ऊपर सवाल उठता है कि फिर आप अपने काम को किस प्रकार कर रहे हैं कि आपकी जनता को ही लूटा जा रहा है और आपको खबर तक नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जिन लोगों को आपने अपॉइंट किया है, जिन लोगों के ऊपर कार्यभार दिया है, क्या आप उनको एनालाइज करते हैं, क्या उनके द्वारा कर रहे कामों को आप कभी जांचते हैं? अगर आप जांचते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि इस तरह की धांधली क्षेत्र के अंदर की जा रही है। और अगर इस बारे में आपको जानकारी नहीं है तो यह साफ जाहिर है कि फिर आप अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रहे। अगर आप अपना काम सही से कर रहे होते तो ये सारे के सारे घपले, सारा भ्रष्टाचार आपको मालूम होता। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो यह साफ जाहिर है कि आप काम सही से नहीं कर रहे। अगर आप काम सही से कर रहे होते तो यह जनता आज लूटी ना जा रही होती। इसी के साथ साथ आपको इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि संगम विहार विधानसभा के अंदर कितने बोर हैं, गलियों में ऐसे कितने बोर हैं जिनसे जनता को पानी मिल रहा है, ऐसे कितने बोर हैं जिनसे फिल्टर चलाया जा रहा है, ऐसे कितने टैंकर हैं जो खुद पार्टी के लोगों के नाम पर दिल्ली जल बोर्ड में लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार को समझिए। क्यों अधिकतर पार्टी के पद अधिकारी ही मोटर को चला रहे हैं, उस बोर को चलाने का, संचालन करने का कार्य आखिर आम जनमानस के पास क्यों नहीं है? आप सर्च कीजिए और पता कीजिए कि संगम विहार के अंदर कितनी ऐसी बोरें हैं जिनको आम जनमानस चला रहे हैं या कोई वेलफेयर एसोसिएशन चला रही है। लगातार क्षेत्र के अंदर जल समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई भी देखने वाला नहीं है। मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं और जनता से सहयोग मांगता हूं, हाथ जोड़कर, कि आप लोग सहयोग कीजिए। मैं लगातार आपकी आवाज बन रहा हूं, मैं लगातार आपके लिए आवाज बुलंद कर रहा हूं। आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमें अपने घर में ही बैठ के सपोर्ट कीजिए, सोशल मीडिया पर हमारी आवाज को बुलंद कीजिए। इसी के साथ साथ मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, आपके क्षेत्र में अगर पानी कहीं नहीं आ रहा या किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार किया जा रहा है आप लोगों के साथ, पानी के एवज में पैसे मांगे जा रहे हैं, तो हमें मैसेज कॉल जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ आपके इलाके में पानी को लेकर क्या समस्याएं आपको फेस करने पड़ रही हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे सामाजिक संवाद, मैं मोहम्मद मुशर्रत, धन्यवाद।